नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। ये किस प्रकार से काम करती है, आपको किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, कैसे आपको कॉल्स को एनालाइज करना है, क्या टारगेट्स प्रेफर करने हैं, कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो एक लॉट के बेस पे, ये सारी डिटेल्स मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आप वॉच करो, परफेक्ट कॉल जब आए तो आपको इजीली फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट टारगेट होता है इस स्ट्रैटेजी में आपको वो 10% का रिटर्न दे जाता है। अब किस तरह के कॉल को आपको एनालाइज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये ऑप्शन बायस स्ट्रैटेजी है, आपको ओनली बाय कॉल्स नजर आएंगे। सो जब कभी भी बाय कॉल आपको जनरेट होके मिलेगा तो एंड ऑफ द कैंडल आपको ट्रेड करना है। उस समय आपको ये देखना है कि ये जो स्टॉप लॉस की लाइन है ये नीचे होनी चाहिए, ना कि ऊपर। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टॉप लॉस की लाइन आपकी नीचे हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि बायर्स सेलर्स का परसेंटेज हमने यहाँ पे दे के रखा है। सो जब कोई भी कॉल आए तो आपको बायर्स और सेलर्स में जो डिफरेंस है वो एक देखना होता है। मैक्सिमम बायर्स आपके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 100% बायर्स थे। नेक्स्ट थिंग, जो वॉल्यूम है नीचे आप देख पा रहे हो ये ग्रीन होना चाहिए। और जो थर्ड थिंग आपको देखनी है ये ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन का कलर ये भी ग्रीन होना चाहिए। सो जब कॉल ये क्राइटेरिया जब मैच करता है तो इजीली आपको फर्स्ट टारगेट मिल जाता है। तो आप देख सकते हो आज भी जो कॉल चला ये परफेक्टली आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टारगेट दे गया, ठीक है। तो जो इसकी एंट्री बनी थी ये 59 रुपीज पर बनी थी और जो हाई इसने दिया है आप देख सकते हो 92 रुपीज का दिया है। तो अगर आप ट्रेड प्लान करते इसके बेस पे तो मैं आपको बताता हूँ जो इन्वेस्टमेंट आपकी होती मात्र 2950 की और जो पॉइंट्स इसने आपको दिए, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड टारगेट कैलकुलेट करूँ तो 88 रुपीज का हमारा थर्ड टारगेट बना, तो टोटल प्रॉफिट पॉइंट्स हमारे 29 बने। तो ये आपको 50% रिटर्न दे गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी आपको किस तरह के रिटर्न दे सकती है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है और कितना मिनिमम टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो इसके बेस पे मुझे अराउंड 12:45 की कैंडल में आपको ये पता लग रहा है कि स्ट्रैटेजी आपको बाइंग का कॉल इंडिकेट कर रही है। तब 18,390 का रेट चल रहा है, राइट। नीचे वॉल्यूम स्ट्रांग है, हमारी ट्रेंड लाइन हमारे फेवर में है। ये इंडिकेशन था कि मार्केट बाइंग जा सकता है और आप वेट करो कोई परफेक्ट कॉल के लिए। तो इस समय आपको एट द मनी या फिर इन द मनी के कॉल को वॉच करना है 15 मिनट्स 5 मिनट्स के बेस पे। सो एट द मनी 18,400 का कॉल हम एडवांस ऑप्शन के स्ट्रैटेजी में वॉच करेंगे। तो इसमें अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कॉल बन के आया था लेकिन ये कॉल हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है। उसका रीजन, सबसे पहला जो स्टॉप लॉस की लाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी नीचे होनी चाहिए ना कि ऊपर, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहा है। तो ये कॉल हमें सिंपली अवॉइड करना है, इसमें ट्रेड नहीं बनेगा, आपको नहीं ट्रेड करना है, राइट। तो 5 मिनट के बेस पर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला लेकिन 15 मिनट के बेस पर आपको ये परफेक्टली ट्रेड निकल आया और इसने आपको टारगेट दे दिया। तो इस प्रकार से एक 15 मिनट के बेस पर आपको एंड ऑफ द मार्केट ट्रेड मिला और जो 5 मिनट के बेस पर ट्रेड आपको बन रहा था वो आफ्टरनून के अर्ली सेशन में था। जो ये आप देख पा रहे हो ये आपको बना था 46 रुपीज पे और इजीली इसने भी आपको फर्स्ट टारगेट दे दिया। ये कॉल की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और अपलोड कर दी है। आपको अगर उसकी भी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वो चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार के कॉल को आपको एनालाइज करना है। अगर मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस की बात करूं 18,400 का, तो इस स्ट्राइक प्राइस में आपको पूरे दिन में दो कॉल बन के मिले। एक था 15 मिनट के बेस पे जो मार्केट के एंड में आया और एक 5 मिनट के बेस पे जो 12:30 के अराउंड आपको मिला।
सो जो एनालिसिस आप करोगे इंट्राडे के चार्ट के बेस पे करिएगा, उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अब जो कल की मार्केट की बात हम करें तो इसमें कोई भी परफेक्ट कॉल नहीं मिला हमें, एक सेल कॉल था, नीचे वॉल्यूम नहीं था, राइट। एक ये बाय कॉल था, इसमें भी वॉल्यूम नहीं था, और जो ये सेल कॉल देख रहे हो आप, तो ये सेल परफेक्ट था, राइट। इसके बेस पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलता क्योंकि मार्केट जो है 3:15 ऑलरेडी हो चुका था, तो ये क्लोजिंग पे आ गया। सो रिकमेंडेशन ये होता है कि आप 3 बजे के बाद के कॉल मोस्टली अवॉइड करके चलिएगा, और जो आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग के सेशन में कॉल्स आते हैं उसको आप जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब का एनालिसिस आपको करके चलना है, और उसके बेस पे जो कॉल्स आपको स्ट्राइक प्राइस देगी फर्स्ट टारगेट प्रेफर करके चलिएगा। मिनिमम आपको फर्स्ट टारगेट 10% का रिटर्न दे जाएगा। आप अगर सेकेंड थर्ड टारगेट का प्रेफर करते हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है कि उस समय जो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल आप एनालाइज कर रहे हो तो फ्यूचर या फिर स्पॉट चार्ट आप देखो, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो आप उतना सेकेंड टारगेट तक का होल्ड कर सकते हो। सो आई होप ये डिटेल्स आपको समझ आई। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, बाय।